हेलो गाइस, दिस इज विक्रम और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक भीमकाय सेटअप लेकर आया हूं। आज हालांकि रिव्यू तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको सेटअप की पूरी जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इस सेटअप को मैं भीमकाय इसीलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें इतना सामान लगा हुआ है, इतना आइटम लगा हुआ है कि मैं क्या बताऊं। इसमें वायरिंग इतना सारा है, इसे पहचानने का तरीका कि आपको कौन सा वायर में प्रॉब्लम आ रहा है, इस सेटअप को लगाने का तरीका, ये सब समझाने की मैं शॉर्ट में कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि इस टाइप के कंटेंट मैं बहुत सारे लेकर आता हूं और कंटेंट में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है, आप लोग समझ ही रहे होंगे। ये वीडियो देख के भी आप लोग समझ ही जाएंगे, तो इसलिए प्लीज़ लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए जितना आप कर सकते हैं। आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये हमारे कस्टमर हैं, ये कई सारे आइटम मुझसे लेते हैं, लेकिन आज इनका मुझे वीडियो बनाने का मौका मिला है तो मैं उस चांस को यूटिलाइज करके आप लोगों तक लेकर आना चाहता हूं। चलिए देखते हैं वीडियो को। तो कुछ इस टाइप का दिखता है हमारा सेटअप, जिसमें सामने LD18 देख सकते हैं आप लोग और ये पोप प्रोफेशनल के हैं। ये बहुत सारे हॉर्न्स लगे हुए हैं। ये हमारा प्लाज्मा 21 इंचेस। ये बहुत सारे पावर लाइट्स। ये जो ऑरेंज कलर के और ब्लैक कलर के हॉर्न्स है, इसके पीछे यूनिट लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ब्लैक कलर वाले के पीछे लगे हुए हैं नॉर्मल यूनिट्स जो 60 वॉट के हैं, और रेड कलर या ऑरेंज कलर के पीछे जो लगे हुए हैं वो लाइन मैचिंग यूनिट है। प्लाज्मा बेस की साइड में हमारे डुअल 18 इंच भी रखे हुए हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं इसे कई सारे बेल्टों से कसा जाता है और इसका 1.5 साइड डिस्प्ले होता है, मतलब एक जिस पे पूरा सेटअप लगा हुआ है और दूसरा साइड जहां आधा सेटअप लगा हुआ है। ये एम्पलीफायर रखे हुए हैं आहूजा के, जिन पे सारे यूनिट्स चल रहे हैं। डायनाटेक PD5000 डुअल 18 के बेस के लिए दिया हुआ है। उसके बाद क्राउन के एम्पलीफायर दिए हुए हमने 6002। क्राउन के एम्पलीफायर को ब्रिज मोड पे 21 इंचेस सबवूफर चलाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। पोप LD18 के लिए पोप का MA8200 एम्पलीफायर दिया हुआ है चार पीसेस के लिए। यहाँ यामाहा का MG16XU मॉडल दिया हुआ है, जिसे कई लोग आज भी ढूंढ रहे हैं। ये वायरिंग देखिए, बेस से बेस कनेक्ट होते हैं, टॉप से टॉप होते हैं। इन ही मेथड को हम लोग ख्याल में रख के इसे जहां ये वीक होता है इसे पकड़ सकते हैं। सबसे पहले तो आपको ये देखना होता है कि बंद क्या पड़ रहा है। अगर आपका कोई चीज़ बंद पड़ रही है तो उसका एम्पलीफायर चेक कीजिए, मेथड यही रहेगा। इतनी वायर देख के कई लोग घबरा जाएंगे, लेकिन आपको वायरिंग नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि बंद क्या पड़ रहा है, वो किस एम्पलीफायर से कनेक्टेड है। सिंपल मेथड सबसे यही है। अगर आपका एम्पलीफायर ठीक काम कर रहा है और आपका आउटपुट फिर भी नहीं आ रहा है तो DSP उससे चेक कीजिए कि एम्पलीफायर तक आपके जो केबल जा रहे हैं वो करेक्ट है या नहीं। या हमने DBX और ऑडियोट्यून दो DSP यूज़ किए हुए हैं। 18 इंच के डुअल के बेस, 21 इंच के सबवूफर्स, 15 डुअल के टॉप, बहुत सारे यूनिट, 60 वॉट के कुछ लाइन मैचिंग के, 40 वॉट्स के यूनिट, और इनके लिए पावर एम्पलीफायर, इनके लिए एम्पलीफायर्स जो इंडियन ट्रेडिशनल एम्पलीफायर होते हैं वो, दो DSPs यूज़ करने पड़ेंगे। एक DSP जो हमारा DBX का लगा हुआ है उस पर हमने 21 इंच का सबवूफर और उसके साथ में टॉप को असाइन किया हुआ है। दूसरा जो हमारा ऑडियो टोन का DSP लगा हुआ है उस पर हमने 18 इंच और बाकी इस पर यूनिट हॉर्न का कर रखा है। क्यों? क्योंकि DSP जो आता है 260, उसका एक सिस्टम है कि आप हर एक चैनल को इंडिविजुअली असाइन कर सकते हैं। 6 आउटपुट इसमें से निकलते हैं, उन 6 के 6 को आप अलग असाइन कर सकते हैं। हमने यही किया है दोनों DSP में। चलिए और देखते हैं आगे। इसमें 18 इंच के 12 स्पीकर्स, 15 इंच के 16 स्पीकर्स, यूनिट जो होते हैं वो 21 इंच के 4, और बहुत सारा आइटम लगा हुआ है। एम्पलीफायर्स की दो रैक खड़ी करी गई हैं, DSP 2 यूज़ किए गए हैं,
डीजे बेल्ट्स, लगभग 8 से 10 डीजे बेल्ट बांधे गए हैं, बहुत सारे हॉर्न्स लगाए गए हैं, काफ़ी सारे स्टेप्स, 6 स्टेपलाइजर लगाए गए हैं, बहुत सारे स्पीक ऑन वायर्स, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल वायर्स इस पे कनेक्ट करे गए हैं, 4 शार्पी लगाए गए हैं और करीबन 16 पावर लाइट्स लगाए गए हैं। टोटली अ सुपर मैसिव सेटअप, लेकिन फिर भी मैं इसे डीजे नहीं कहूँगा। इसमें बहुत सारा आइटम देने के बावजूद भी क्या होता है कि वहाँ के लोग आवाज़ की डिमांड करते हैं, उस आवाज़ को बढ़ाने के लिए लोग बहुत सारी इक्विपमेंट की सहायता लेते हैं। सामने देख सकते हैं आप, एक फॉग मशीन भी लगा हुआ है। तो कैसा लगा आप लोगों को ये महाभीम का सेटअप, जिसको बहुत ही ट्रेंड ऑपरेटर लगता है? आप लोगों में से कई लोग डिमांड करते हैं कि हमें इस टाइप का सेटअप चाहिए। सर, मैं देने के लिए रेडी हूं आप लोगों को सेटअप, लेकिन आपको वो चलाना आना चाहिए। बाकी आप पे है कि आप कितना बड़ा सेटअप लेते हैं। इस वाले सेटअप का जो डेट है, लगभग आप मान के चलिए कि 50-55 तक कुछ जाता है एक डेट इसका, 1 तारीख जिसको बोलते हैं हम लोग, तो उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। हालांकि इसका टेस्टिंग मैंने दिखाना बाकी है, जो मैं अब दिखा देता हूं। और आज के वीडियो में इतना ही, टेस्टिंग सुनते हुए जाइए, हेडफोन लगा लीजिएगा। थैंक यू गाइस। We'll be right back.